अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक हैं। तो करते हैं शुरू आज का व्लॉग, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दें चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दिया करें। गर्मी बहुत ज़्यादा है, अभी भी खूब मुझे पसीना आया हुआ है और मैंने जाना था बाज़ार, अपने दुपट्टे पिको करवाने हैं, एक दो और घर के छोटी छोटी चीज़ें लेनी हैं, लेकिन गर्मी में बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रही बाहर निकलने की। अब शाम का टाइम हो रहा है और ईद भी नज़दीक है, तो मैंने कहा कि आज जाके ये काम कर लेती हूँ फाइनल। तो चले चलो, मैंने वो कमीज भी डाई करवानी है। कौन सी कमीज? पिंक वाली। उसको क्या कर दिया आप? वो तो पहनी भी नहीं है अभी तक। वो ना निशान लगा हुआ इतना। चलो इस चीज़ के येलो कलर का। यही काम है तुम्हारे। चलो फिर चलते हैं, आके मैंने खाना भी बनाना है, शाम होगी भी है। और ये जी इधर क्या हो रहा है? इसके उल्टे काम नहीं खत्म होते हर वक्त। हाँ जी, क्या कर रही हो ये इस काम के लिए होती हैं? नहीं, ये तो जब कपड़े सुखाने के लिए ऊपर डाल के आते हैं, उन पे लगाने के लिए होता है। तो आधी पहले घुमा दिया, आधी अब घुमा देना, ठीक है? उठ जाओ। घर आई हूँ तो सबको लग रही थी शदीद भूख, जल्दी से मैंने दाल में लगाया तड़का और ये मैं लेके आई हूँ बाज़ार से कच्चे आम। इनका मुरब्बा बनाऊँगी। पहले भी मैंने कच्चे आम का मुरब्बा बनाया था, बहुत ही टेस्टी बना था, सबको बहुत ज़्यादा पसंद आया। अब दोबारा फरमाइश पे बन रहा है जी कच्चे आम का मुरब्बा, और इसकी रेसिपी भी मैं शेयर कर चुकी हूँ। दाल के साथ थोड़े से पड़े हुए हैं, शामी मैंने सोचा कि चलें वो भी फ्राई कर लेते हैं। गैस होगी? हल्की हल्की आ रही है। ये तो हो ही जाएंगे फ्राई, बिल्कुल हल्की हल्की सी है गैस। दाल को तड़का भी लग गया है, शामी भी फ्राई हो जाएंगे इस गैस में। और हमें क्या चाहिए, इतना भी बहुत है। और सब ऐसे फिर रहे हैं चारों तरफ किचन के जैसे सदियों का भूखा इंसान नहीं होता। बस अब जल्दी से खाना खा के। असल में ना सुबह ही नाश्ता किया था सबने, उसके बाद फिर दोपहर को किसी ने खाया ही नहीं है, गर्मी ज़्यादा हो रही थी, दिल ही नहीं किया, पानी पीते रहे हैं। फिर शाम को मैं चली गई थी बाज़ार, वहाँ हो गई हूँ थोड़ी सी लेट, क्योंकि दुपट्टे वगैरह पिको करवाने में थोड़ा टाइम लग गया था। तो अब खाते हैं खाना, ठीक है? ओके, ये क्या हो रहा है, ये लेटने की जगह है? बच्चों ने उल्टे उल्टे काम है, बच्चों ने जिद पकड़ी हुई है कि हमें आइसक्रीम या फलूदा खिला के लाओ। तो सही जिद पकड़ी हुई है ना, गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है, कुछ ठंडा ठंडा खाते हैं जाके, रात भी हो गई है, थोड़ी सी आउटिंग हो जाएगी। मम्मा नहीं, नहीं आपकी तो आउटिंग हो जानी। हाँ जी, बच्चों की भी आउटिंग हो जानी। हाँ जी, ठंड पहुंच जानी, जिसके जेब से पैसे निकलेंगे उसका क्या हाल होगा, वो पता है। कभी कभी ऐसे भी होना चाहिए ना, कोई बात नहीं होती। अच्छा, हाँ जी, ठंड सिर्फ हमें तो नहीं पहुंचेगी, आपको भी पहुंचेगी। हाँ जी, आप नहीं खाओगे? मैं तो सिर्फ तुम्हें देख के खुश हो लूंगा, मैं तो खुद नहीं खाने वाला। और अगर खाया तो? थोड़ा सा तो खाना पड़ता है। तो फिर अच्छा। इसीलिए तो कह रही हूँ चलते हैं, आउटिंग भी हो जाएगी, रात भी होगी भी है ना, थोड़ा सा इंजॉय कर लेंगे, ठीक है? सही कह रही हो आप। और शर्मा के दिखाइए, इसका शर्माना देख लो। लो जी, फिर पार्टी की खुशी में कैसे करते हैं, ढिंग चिका था, ढिंग चिका। चलें फिर, रात ज्यादा हो जाएगी। भी मेरी वही शर्त है, ये जब मुझे मुस्कुरा कर कहेंगे उसके बाद फिर मैं भी फैसला करूंगा। मुस्कुरा गए लो। हाँ।
अभी ना ने सही कह दिया, अभी समा कर चलो जी उठो, इसमा को यहीं छोड़ के जाना नानी के घर। हाँ जी चलो, बिल्कुल ठीक। ये हमारा यहाँ का रोड बन रहा है, इस साइड पे ये पिलर खड़े हो गए हैं, पीछे वाले दो रोड नहीं बन रहा, को फ्लाई ओवर। हाँ फ्लाई ओवर बन रहा है, और ये इधर वाला शुरू कर दिया उन्होंने पिलर खड़ा करना, और इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये ईद के बाद तक हो जाएगा कंप्लीट। कह रहे हैं कि 30 अगस्त तक कंप्लीट हो जाएगा। हाँ जी, और फिर ना काफी सुकून हो जाएगा हमारे यहाँ पे ना इसकी वजह से। दो तीन महीने तो हो गए हैं बेसुकूनी भुगतते हुए। अब हो गया पेट्रोल ख़त्म गाड़ी में से, यहाँ रुके हैं पेट्रोल डलवाने के लिए, और मट्टी मट्टी हो रही है हर तरफ, क्योंकि सारा ये इधर से रोड टूटा हुआ है, उसकी वजह से ट्रैफिक गुजर रही है, इंतहा की मट्टी हो रही है। पिलर, हाँ जी वो पिलर बन गया, देखो पिलर वो बन रहा है, पिलर फ्लाई ओवर बन रहा है, पिलर नहीं बन रहा। ये सारा इधर से ये मेट्रो का स्टेशन भी तोड़ दिया हुआ है, ये दोबारा से बनेगा सारा, और कह रहे हैं कि ये ना आगे बनाएंगे अब मेट्रो का स्टेशन। ये कह रहे हैं कि राणा टाउन तक, ये काला शाह काकू तक जाएगा, और ये देखो हाँ जी इतनी स्पीडली काम हो रहा है, ये बहुत स्पीड से काम हो रहा है, उम्मीद नहीं थी कि इतनी जल्दी ये काम होगा, लेकिन बहुत स्पीड से ये काम हो रहा है यहाँ पे, और इंशाल्लाह बहुत जल्दी हो जाएगा ये कम्प्लीट। शाहदरा वालों के लिए खुशखबरी है। हाँ जी मम्मा ने नहीं किया था, हमने किया था। और ये देखो जी, ये पूरब का तो क्या है, ये ना बहुत ही टेस्टी होता है, ये देखो पूरी कुल्फी डाली हुई है इसके अंदर, मुझे बड़ा अच्छा लगता है यहाँ का। हम लोगों ने तो खाना भी शुरू कर दिया, आप लोग बातें करने मंगवाया नहीं, पूरब का ये था नहीं, पूरब का नहीं है, पापा के साथ पूरब और मैं एक साथ, पूरब मम्मा साथ, पूरब के बड़े चारों तरफ वोट हैं। पहले मैं खा लूं, खा लो एज यूजुअल, बहुत टेस्टी है, बहुत ज्यादा।